ये हमारी वायरिंग किट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है सर्विन रहेगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये जो है 8 गेज की है, ये जो है 4 गेज की है। जो 8 गेज की लगाएंगे हम वो 4 चैनल पे लगाएंगे, और जो ये 4 गेज की है हम ये मोनो ब्लॉक में लगाएंगे। ये हमारे स्पीकर है हम जो लगा रहे हैं क्रेटा के अंदर, फ्रंट में भी हम कोएक्सियल लगा रहे हैं डीडी में, और रियर में भी कोएक्सियल लगा रहे हैं। ये ई सीरीज है, इनकी मॉडल नंबर है जो इसका वो है EX6.5। ये रेडलाइन सीरीज से अपर सीरीज है और काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं इसके। साथ में ट्रेवल को सपोर्ट करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं पाइनियर का TS20। ये ओरिजिनल TS20 है और ये विद बिल होता है, विद वारंटी होता है। तो हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर जो हम लोग जिससे डीडी के स्पीकर चलाएंगे और TS20 चलाएंगे वो है एल्पाइन का। मॉडल नंबर है BBXF1200। 70 वॉट RMS है ये आपका, और काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। पहले भी मैं काफ़ी लगा चुका हूँ, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। इसकी जो खास बात है, इसमें सेटिंग्स पूरी हैं LPF HPF की। अगर आपका स्टीरियो पाइनियर नहीं है, अदर देन पाइनियर जो इस गाड़ी में रहने वाला है, तो आपको ये रिकमेंडेड है एल्पाइन का एम्पलीफायर 4 चैनल। ये मोनोब्लॉक है इंटरफायर का जो हम लगा रहे हैं, ये है आपका GRLA 4000, 4000 नंबर है ये। काफ़ी अच्छा मोनोब्लॉक है, आप पहले भी वीडियोज़ में देख चुके हैं, मैं काफ़ी अच्छा ड्राइव करेगा। और जो वूफर लगाना चाह रहा हूँ मैं आपको वूफर दिखाऊंगा, और जो हमारा वूफर रहने वाला है वो भी डीडी ऑडियो का ही है, और इसका मॉडल नंबर है DD212। रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं, जो इसकी बेस है बहुत अच्छी है। जहाँ लो बेस मारनी होती है लो बेस मारेगा, जहाँ हाई बेस चाहिए होती है वह हाई बेस पंच करेगा। हाईली रिकमेंडेड है। अभी इसकी आउटपुट सुनाएंगे आपको। ये हाइपरसोनिक का 10 इंच स्टीरियो जो हम क्रेटा में लगाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर हाइपरसोनिक लिखा हुआ है और पीछे भी एम्बोज्ड होता है, तो ये स्टीरियो लगेगा क्रेटा के अंदर। ये हमारी डैम्पिंग है जो हम लोग करने लगे क्रेटा के अंदर रॉकस्टार ब्रांड में। टोटल हम 12 शीटें लगाएंगे, प्रॉपरली स्प्रेड करेंगे। इस डैम्पिंग का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसमें ब्यूटाइल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, प्रॉपरली स्प्रेड है, तो ये ना डैम्पिंग लीक करती है ना स्मेल करती है। हाईली रिकमेंडेड है। डैम्पिंग का प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे वाला दरवाजा लेफ्ट साइड का, इसमें डैम्पिंग हो गई है। प्रॉपरली पूरी तरीके से स्प्रेड की गई है डैम्पिंग को, कोई भी एरिया नहीं छोड़ा गया। अंदर भी हमने काफ़ी पोर्शन सारे कंप्लीट कर दिए हैं। बॉडी पकड़ के रखी है, ये हमने डीडी का स्पीकर भी लगा दिया आगे पीछे, और डैम्पिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। काम हमारा प्रोसेस में है, अभी हम लोग स्टीरियो की फिटिंग करने लगे हैं। आप देख सकते हैं स्टीरियो कंपनी का कपड़ा है, क्या कपड़ा लगाया और स्टीरियो पे लग जाएगा, तो कोई तार नहीं कटेगी इस पूरे प्रोसेस में। गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होगी। स्पीकर वगैरह डैम्पिंग हमने इंस्टॉल कर दिया, वायरिंग डल रही है बिल्कुल नीचे से, अंडरग्राउंड वायरिंग डलेगी। एम्पलीफायर जो है हम सीट के नीचे डालेंगे, पहले में होगा। ये हमारा इंक्लोजर है जिसमें हम डीडी को ऊपर लगाएंगे। हमारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, स्टीरियो स्पीकर डैम्पिंग TS20 सब कुछ लगा दिया है, डीडी का वूफर भी लगा दिया है। मैं आपको स्टीरियो के बारे में बताता हूँ, ये 2GB रैम है और 16GB स्टोरेज है। T3 प्रोसेसर, हाइपरसोनिक माइक इसमें सेपरेट आता है, ये देख सकते हैं माइक लगा हुआ है। इस स्टीरियो की आउटपुट काफ़ी अच्छी है, और इसके साथ हमने हाई एंड सिस्टम लगाया और बहुत मज़ा आने वाला है। वोकल टेस्टिंग हो रही है शुरू।
ये हमारे हर्षित भाई हैं और ये राहुल भाई हैं जो पीछे बैठे हैं। भाई कैसा लगा आपको आउटपुट? बहुत बढ़िया लगा भैया, मजा आ रहा है, मजा आ गया। वोकल ट्रेबल बेस कुछ भैया, बहुत बढ़िया आपके लिए यहाँ भैया, इतने दूर से बस एक क्लास, बहुत बढ़िया भैया मजा आ और काम अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया। भाई हमारा काम अप्रूव्ड हो गया है और भैया को बहुत मजा आ रहा है और ये बात सुनकर तो हमें मजा ही आ ही रहा है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।